आर माधवन बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की फिल्मों का भी एक जाना माना चेहरा है। टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले माधवन ने जब फिल्मों में कदम रखा तो कभी मैडी तो कभी थ्री इडियट के फरहान के किरदार में दर्शकों का दिल जीत लिया। पर अब आर माधवन एक नई पारी खेलने जा रहे हैं और वो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड एबव ऑल एक एक्टर के रूप में। माधवन अपनी नई फिल्म रॉकेटरी द नैम्बी इफेक्ट लेकर हाजिर हुए हैं। ये फिल्म इसरो के साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है और इन सब में सबसे रोचक बात यह है कि बॉलीवुड के किंग खान इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है। आर माधवन ने इंडिया टीवी से बात की और अपने फिल्म बनाने और शाहरुख खान के इस फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। आपने जब अपना काम शुरू किया था, यहाँ पर शाहरुख खान भी थे और उस वक्त आप यू वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम दैट टाइम आल्सो, और उनका खुद से इस फिल्म के साथ जुड़ना, एक होता है आप अप्रोच करते हो किसी को और एक खुद से किसी का जुड़ना, सो दैट इज अनदर लेवल ऑफ अचीवमेंट। टेल मी द स्टोरी हाउ इट हैपेंड। सो मैंने खान साहब को अपने इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया था जब शूटिंग वाज जीरो, और जब उनके जन्मदिन पे मैं उनसे मिलने गया तो मैंने रियलाइज किया कि वो कह रहे थे मैडी वो जो तुम्हारा रॉकेट वाला स्क्रिप्ट है ना उसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा थैंक यू, अरे उसमें कोई भी रोल दे दे मुझे। मैंने कहा सर थैंक यू, अच्छी मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये स्क्रिप्ट याद है, वेरी वेल रेड, एंड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गीक ऑल्सो, तो उनको भी मतलब इन सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है, तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। पर नेक्स्ट दिन जब मैंने उनको मैसेज, उनके असिस्टेंट को मैसेज भेजा कि ना प्लीज थैंक खान साहब की ही रिमेम्बर्ड माई स्क्रिप्ट, शी कॉल्ड सेड नो ही वॉन्ट्स टू डू द फिल्म। तो मैंने कहा देखो बैकग्राउंड में पासिंग वाला रोल तो है नहीं मेरे पिक्चर में शाहरुख खान के लिए, क्या बात कर रहा हूँ, मेरे ये एक रोल है जो प्रोमिनेंट रोल है। वो कह रहे कितनी डेट चाहिए, कब चाहिए मुझे बताओ, इज रेडी। और वो आए, इस फिल्म को हिंदी में और इंग्लिश में मेरे साथ शूट किया, ना कॉस्ट्यूम के लिए ना कैरावैन के लिए पैसा लिया, एंड आई थॉट ही इज डूइंग इट फॉर द लव ऑफ मी, बट व्हेन ही मेट नंबी नारायण आई कुड सी द ऑ एंड रिस्पेक्ट ही हैड इन हिज आईज, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। सेम थिंग वॉज डन बाई सूर्या, ही फ्लूड ऑन ऑल द वे विदाउट टेकिंग चार्जिंग मी एनीथिंग, आई एम वेरी टच, द होल यूनिट वॉज सो ब्लोन बाय देयर ग्रेस। So this industry is full of some very, very imagine, nice people. Imagine there is you, there is Shah Rukh Khan, there is Surya. So ek aap chhavi dekh lo kis tarah ki hai, and then there is this brilliant story and story of a scientist. School college mein koi kuch kar dikhata tha to hum kehte the isme kya rocket science hai, magar rocket science to hai jisne aapko overnight, कहते ना ओवरनाइट स्टार बनते हैं, ये तो ओवरनाइट डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर बना दिया, सो ये रॉकेट साइंस क्या है सबसे पहले वो बताइए। मैं नम्बी नारायण साहब से मिलने गया जिन पर ये फिल्म आधारित है, और जब मैं उनसे मिला तो उस वक्त मुझे पता था कि इन पर एक झूठा केस डाला गया कि ये गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट की अफेयर एक मालदीवन औरत के साथ हुई, जिसकी वजह से इंडिया के रॉकेटरी सीक्रेट्स बेच दिया गया पाकिस्तान को, और इस जुल्म में उन्हें जेल में डालकर टॉर्चर किया गया, लगभग जान से मार दिया गया, 94 की बात है, और ये बाहर निकल कर अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए। तो मैंने कहा एक छोटे से जेम्स बॉन्ड की फिल्म है, गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट, ब्यूटीफुल मालदीवियन वुमन, तो इस पर एक पिक्चर बन सकती है। जब मैं इनसे मिला तो मैं बोला, मतलब मैं बिल्कुल बेहाल हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बौखला गया, मैं बिल्कुल बेहाल हो गया, क्योंकि इनको देखते ही मुझे समझ में आ गया इनकी जो तेजस है, जो तेवर था, जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरीके से चलते थे, उनके मुंह में जो गुस्सा था, जो अफसोस था, कि सिर्फ इस केस के लिए ये जाने नहीं जा सकते, इनमें कोई ना कोई बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और ये भी इसी केस के बारे में बात कर रहे थे। 7 महीने के बाद जब मैंने स्क्रिप्ट लेकर उनके पास गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे तो चूक गया, क्योंकि मैं इस वक्त प्रिंसटन में था। इमेजिन 20 ईयर्स ही कैरीड दैट एंगर, और उसके बाद अपनी जर्नी सब कुछ वहाँ देखते हुए, एंड देन ही इज रीडिंग द स्क्रिप्ट। हाँ, और वो उन्होंने कहा कि आई वॉज इन प्रिंसटन, देन ही मैंने कहा आप प्रिंसटन कब गए थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात किया, क्योंकि उस वक्त जब वो केस के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा कि सर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप इतना इमोशनल हो रहे हैं, आपको तो बता दिया गया कि आप निर्दोष हैं। कहता तुम्हें पता है, मुझे पता है, कोर्ट को पता है, पर आज भी मेरा नाम गूगल करके देखो, और वाकई में उनका नाम के साथ इसरो स्पाई केस जुड़ा हुआ है। तो कहता यार ये कोई बात हुई, मेरे 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 बारे में ये कैसे कह सकते कि मैं देशद्रोही हूँ, ये कैसे कह सकते कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है, ये उनको चुभ रहा था।
पर जब मैंने उनके अचीवमेंट्स के बारे में वो बात करना शुरू किया तो मैं बिल्कुल बेहाल हो गया। मैंने कहा ये क्या, ये तो मतलब रशिया, फ्रांस, स्कॉटलैंड, प्रिंसटन और यूएसएसआर में जाकर रॉकेट इंजन सबके नाकों के नीचे चुरा के ले आना, वहां पे लोगों को धमकाना, यू नो, भागना, एयरपोर्ट से उड़ना। मैंने कहा ये तो जेम्स बॉन्ड के बाप की कहानी है ये, और ये सच में हुआ है और इन्होंने किया है। मैंने कहा ये कब बताने वाले थे, और ये कह रहे हैं इसमें बताने की क्या बात है, इन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने ये की। और उस दिन मैं मतलब मेरे सर पे एक ऐसा जुनून चढ़ा कि ये हम नंबी नारायण के बारे में अगर जानते भी हैं तो सिर्फ इसरो केस के बारे में जानते हैं। हमें ये नहीं पता कि उन्होंने अचीव क्या किया है, हमने ये नहीं पता कि उन्हें पद्मभूषण दिया गया, हमें ये नहीं पता कि पद्मभूषण क्यों दिया गया और जिस वजह से उन्हें दिया गया वो बात जो उन्होंने बनाई है, जो इंजन उन्होंने बनाई है, वो हमारी लाइफ में कितनी अहमियत रखती है। अगर हमें लगता है कि हम रॉकेट साइंस से और इसरो से बहुत दूर हैं और उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये गलतफहमी को कैसे दूर कर देगा ये इन्वेंशन, ये सब चीज़ें सुन सुन कर मैं बिल्कुल मतलब मेरे में नहीं बल्कि मेरे पूरे यूनिट के लोगों में ना एक ऐसा जुनून चढ़ा, ऐसा सर पे खून सवार हुआ कि फिर हमने दाएं बाएं नहीं देखा। मतलब ये डायरेक्शन हो या एक्सप्रेशन हो, एक्टिंग करना हो, वो सब मतलब हल्का पड़ गया। हमने कहा ये कहानी हमें इस देश के लोगों को बताना जरूरी है, पूरे दुनिया में लोगों को बताना जरूरी है, चाहिए इसलिए कि एक और नंबी नारायण के साथ जो हुआ वो किसी और देश में किसी भी साइंटिस्ट या देशभक्त के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में हम सिर्फ एज फिल्म इंडस्ट्री यू नो फ्रीडम स्ट्रगल या मुगल के साथ जो हमने लड़ाई की उसके बारे में बात करते हैं। एक और क्षेत्र है जहाँ पे एशिया इंडिया इज नंबर वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और स्पेस रिसर्च और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल जो कि हम उसमें माहिर होने वाले हैं, यू नो अभी तक हमने शुरू नहीं किया पर मार्स मिशन हमारा सबसे पहला अटेम्प्ट रहा और वो सक्सेसफुल रहा, और इसके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनाता, इसके बारे में ना हम रिसर्च नहीं करते हैं, हम ऐसे पैसे नहीं डालते हैं। हॉलीवुड ने अपने ठेका ले रखा है कि वही पूरे दुनिया को बचाएगा, एक ही हॉलीवुड हीरो ही है जो इंटरस्टेलर, इंसेप्शन में, मार्शल में जाके यू नो दुनिया बचा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिनके बारे में हमें कहानी बननी चाहिए। हम कह सकते हैं कि अनसंग हीरो की हम बात कर रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अनसंग हीरो की बात कर रहे हैं। एज यू नो यू केम टू नो अबाउट दिस, जब आप पढ़ रहे थे या जब उनसे आप मिले थे, तो आई एम श्योर कि जब देश दुनिया जब ये फिल्म देखेगी तो ऑब्वियसली उन्हें कितनी बातें पता चलेगी, उनको बाधा होगी। मैं वही कह रहा हूँ, अनसंग हीरो के बारे में सिंग करना या न सिंग करना एक चॉइस है, पर नंबी नारायण के बारे में न जाना एक चॉइस नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप स्कूल कॉलेज में थे, कहते हैं बचपन में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ऐसी कोई ख्वाहिश कभी रही है? जी, काबिल बनना। अच्छा, काबिल बनो, ये तो आपकी फिल्म का ही डायलॉग है। बिल्कुल, एंड यू गो बाय दैट, आई गो बाय दैट, व्हाटएवर यू डू। अगर मेरी माँ कह रही थी अगर तुम्हें जमादार बनना है, अगर तुम्हें वो भी साफ सफाई करना है, जो भी करना है अगर आप करोगी, मेक श्योर यू आर द बेस्ट एट इट। बिल्कुल। और लोग आपके फिल्म के बारे में क्या कहते हैं या क्या रिएक्शन है, हम सब पूछते हैं, लेकिन हम सबसे बड़े क्रिटिक तो हम खुद के होते हैं ना, जब हम अपना काम देखते हैं। सो जब आपने ये पहली बार अपनी फिल्म देखी, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, कहते हैं आप मतलब अगर ब्रूटली मैं सच पूछूं आपसे, जब भी हम कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हम किसी फिल्म को ओके करते हैं ना, तो हम इस उम्मीद में रहते हैं कि जो स्क्रिप्ट हमने पढ़ा है वही स्क्रीन पे ट्रांसलेट हो। डिग्री ऑफ सेपरेशन फ्रॉम रीडिंग द स्क्रिप्ट टू फाइनल प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो जाए ना, फिर पिक्चर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। मैं सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि मैंने पूरी कोशिश की कि उस डिग्री को बिल्कुल कम रहे। जो स्क्रिप्ट में हमने मैंने काल्पनिक रूप पे नहीं बल्कि फैक्ट्स पे बेस करके जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा था उसी को मैंने फिल्म बनाया और उसमें मैं काबिल हुआ हूँ, विच इज़ व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। कैन में जब ये फिल्म दिखाई गई थी, AR रहमान की आंखों में आंसू थे, और भी बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे। नाउ इफ आई गो टू अदर्स रिएक्शन, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन यू लाइक यू थॉट यार ये जो मेरा कन्विक्शन था वो सही था? मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक है, वो पिक्चर देखता है क्योंकि वो अभी 16 ईयर्स का है और उसका रिस्पेक्ट जितना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो उस उम्र में है, तो क्योंकि वो तो बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है, फियरलेस होते हैं, उनको थोड़ी फर्क पड़ता है उनका बेटा बाप स्टार है क्या है। तब उसने जब पिक्चर देखी तो बाहर निकला, बड़ा सोच में था, वो कहता है कि कैन आई शो दिस फिल्म टू माई फ्रेंड्स। तो मैंने कहा यार तुझे पता है ना कि तेरे पिताजी ने इस फिल्म को डायरेक्ट प्रोड्यूस किया, तो बाहर आके कम से कम ये तो बता कि तुझे पिक्चर लगी कैसे, मतलब तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तुझे इतना नहीं पता कि आई एम डाइंग टू हियर व्हाट यू थिंक। ये सर ऑब्वियसली इफ आई वांट टू शो टू माय फ्रेंड्स दैट मींस आई लाइक द फिल्म। मैंने कहा व्हाट इज ऑब्वियस टू यू इज नॉट ऑब्वियस टू मी यार,
बता रहे थे कि हाँ, मैं सुनना तो चाहता हूँ यार, कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे पिक्चर के बारे में. तो भाग के आया, मुझे गले में लगा, गले मिला और मुझे कहा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स कुड हैव डन इट. तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा रिएक्शन था. जिस तरह की फिल्म की चॉइसेस आपके रहे हैं, चाहे वो साउथ की फिल्में हों या फिर हिंदी, ठहराव कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में आपके हिसाब से, या तो प्रोफेशनल लाइफ या तो पर्सनल लाइफ, मतलब दोनों में इनफैक्ट? देखिए, ये आपके फितरत पे डिपेंड करता है. लोगों को लगता है कि ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, पर ना बॉर्डर में जो हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनको हम नहीं जा बोल सकते, हम उनको जाके नहीं बोल सकते कि बहुत सुबह उठ के ना योगा करो और ठहराव अपनी ज़िंदगी में ले आओ. वो जोश में लड़ते हैं. तो ठहराव आपके लाइफ में तब ज़रूरी होता है जब आपको खुद लगता है कि ये ठहराव से आपका भला होगा, और जब वो होगा तो उस वक्त आपको वो अपने आप को रोकना, लंबी सांसें लेना, और मैं सिर्फ फिलोसॉफिकली नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है. तो मेरे इंडस्ट्री, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ. उस वक्त ना जब मैं इंडस्ट्री में घुसा और फिल्में करने लगा, तो लोगों का ये कहना था कि भाई 3 महीने में एक फिल्म जल्दी ख़त्म करो, एक फिल्म ख़त्म करते 2 और साइन कर लेना चाहिए तुम्हें, और तभी जाके तुम्हारा इंडस्ट्री में जगह बनेगा. और मैं उस फिलॉसफी से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे ऑडियंस मुझसे ज़्यादा बदल रहे हैं, तेज़ी से बदल रहे हैं. तो अगर मैं अभी से साइन करके रखूँ, 3 महीने बाद, 8 महीने बाद जो मैं फिल्म करने वाला हूँ, पता चला 8 महीने के बाद उस फिल्म का सेम्ब्लेंस ही नहीं रहा. तो जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना टू शो द ठहराव, वो अक्ल मुझे पहले ही आ गया था. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आई हैड द एबिलिटी टू चूज माई सब्जेक्ट्स वेरी केयरफुली. और इस वजह से आप हमेशा वो तब भी मैडी थे लोगों के, आज भी मैडी हैं पता नहीं, लेकिन इस फिल्म में तो मैं इनसेन हो गया था. मतलब होना ही था, इतने सारे डिपार्टमेंट्स. कैमरे के पीछे की दुनिया कैसी लगी? बहुत खतरनाक. मतलब अभी मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या बावलाबंदी थी यार, क्या मतलब, क्या सोच के तू डायरेक्टर बन गया था. बट उस वक्त सोच ही नहीं रहे थे, उस वक्त कोई भी मतलब कॉम्पिटिशन या ऑब्स्टिकल सामने में आ रहा तो भिड़ जाते थे, एंड पता चला कि भिड़ते ही सब ठीक हो गया. रियली अमेजिंग. But then why you decided that you are not going to direct again? Because I think wo passion aana chahiye. I can't direct for the sake, because I don't have the qualification. ये आखिरी बार direct कर रहे हैं वैसे? हाँ, क्योंकि कोई qualification ही नहीं है मेरे पास, ना कभी directing school गया हूँ मैं, short setup आता है, ना editor room गया हूँ, कुछ भी नहीं है. तो पहली बार ये instinctively कर चुका हूँ इस फिल्म को, पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये अगली बार मैं करूँगा तो public मुझे माफ करेगी. I need to be better than them. So I don't think I will direct. I'm a very good actor, so I'll stick to acting. वो ज़्यादा पसंद है. जी. विक्रम बेदा की चर्चा एक बार फिर शुरू हो चुकी है और आपके ही दोस्त, आपके ही कॉलीग सैफ इस किरदार को निभा रहे हैं. हाउ डू यू लुक एट इट? वेल, आई नो दैट ही इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर एंड ही इज वेरी डायनामिक. आई एम वेरी कीन टू सी व्हाट वर्जन ऑफ विक्रम ही कम्स आउट विद. मैंने तो अपना तीर मार लिया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि सैफ क्या करेगा, बट मुझे पूरा यकीन है ही'ल चार्म अस ऑल, आई एम श्योर. फाइनली, आज की जो इंडस्ट्री है, आज का जो फिल्मिंग है, एक दौर वापस चल पड़ा है. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ, इट्स इंडिया, बट एक बार फिर से जब आप लोग आए थे, कमल हसन साहब आए थे, रजनीकांत आए थे, वो भी एक दौर था, अभी वापस. सो ये जो एमिगेशन है, ये जो मिला मिलजुल करके जो काम हो रहा है, इसे माधवन कैसे देखते? इट्स फैंटास्टिक. आई थिंक इस बात का कोई शक नहीं है कि हिंदी फिल्में चल तो चल रही है, लेकिन साउथ की फिल्में हिंदी फिल्मों से कुछ जगहों में और कुछ टाइम पे ज़्यादा कमा चुकी हैं. मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हिंदी फिल्में साउथ में जाकर वहाँ के हीरो से ज़्यादा कमा पाएंगे, तब जाके ये ट्रूली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहलाएगा. पर अभी हमारे बीच में जो कमराडरी है, जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, इट्स वेरी गुड. एक ज़माने में हम वैसा नहीं रह पाते थे, एक लगाव था, पर साथ मिल के काम करने का, चाहे वो स्टार्स हो, सुपरस्टार्स हो, वो नहीं मिलता था. अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट. अब एक दूसरे की एक इज्जत जो है वो ज्यादा, एवरीबॉडी इज यू नो इन ग्रेट ऑ एंड रिस्पेक्ट ऑफ द साउथ एक्टर्स एंड वाइस वर्सा. सो आई थिंक इट शुड स्टार्ट. तो ये रॉकेटरी में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज़ देयर इज, अगेन आई एम सेइंग, देयर इज यू, देयर इज शाहरुख, देयर इज, नो, साउथ वर्जन में सिर्फ सूर्या और मैं, इंग्लिश और हिंदी वर्जन में शाहरुख और मैं हूँ. तो इसमें नहीं है, बट इन द नियर फ्यूचर आई होप दैट हैपेंस. बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत कहते हैं हम ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, बिकॉज थैंक यू. इस तरह की फिल्म जो है वो बहुत कम आती है, और आती है तो फिर छा जाती है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.